कक्षा 10 एक्सरसाइज 5.3 इसका दूसरा प्रश्न आज हम सीखने जा रहे हैं। आइए हम इसका प्रथम भाग देखते हैं। इसमें है 7 प्लस 10 सही 1/2 प्लस 14 प्लस इस प्रकार से आगे 84 तक, ठीक है। नीचे दिए हुए योगफलों को ज्ञात कीजिए। हमारे पास एक एपी दी गई है, इसमें पहला पद है 7, दूसरा पद है ये, तीसरा पद है ये, और इसका जो अंतिम पद है 84। जो आपने प्रश्न पहला किया था उसमें आपको दिया हुआ था कि एपी में कितने पद हैं, लेकिन इस प्रश्न में आपको एपी के पदों की संख्या नहीं दी हुई है। तो पहले हमें एपी के पदों की संख्या निकालनी पड़ेगी, यानी कि एन ज्ञात करना पड़ेगा, उसके बाद फिर हम इस प्रश्न को आगे करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। जो हमें दिया हुआ है उसको हम पहले देखेंगे। देखिए, सबसे पहले इसमें प्रथम पद दिया हुआ यानी ए दिया हुआ है 7। इसके बाद हमें निकालना है सार्वंतर, वह है 10 सही 1/2। यदि आप ध्यान से देखें, इसे हम यदि भिन्न के रूप में लिखेंगे तो ये होगा 10 को 2 से गुना कर दो, 10 दो 20, उसमें 1 प्लस कर दो तो ये हो गया 21 बटा नीचे आ गया 2, और इसमें से हम माइनस कर देंगे 7। इसका और इसके नीचे कुछ नहीं है तो इनका लघुत्तम 2, ऊपर आ गया 21 माइनस 2 को 7 से गुना कर दो 14, 21 में से 14 निकाल दिए 7 बटा 2। इसका मतलब ये हमारे पास है D की वैल्यू, यानी D आया है इसमें 7/2। अब हमें निकालना है N, उसके लिए हमें AP का आखिरी पद दिया हुआ है यानी AN दिया हुआ है 84। AN का हम फॉर्मूला यूज करेंगे जो कि था A प्लस N माइनस 1 इंटू D, ये बराबर है 84 के। इसमें जब हम A और D का मान रखेंगे तो हमें N प्राप्त हो जाए, जब हम इसमें A और D का मान रखेंगे तो हमें N प्राप्त हो जाएगा। A कितना है 7 प्लस N माइनस 1 इंटू D कितना है 7/2, ये बराबर है 84। 7 इधर इसके साथ प्लस हो रहा है, जब ये उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा 84 माइनस 7, और यहाँ पे बच गया n माइनस 1 इंटू 7/2। अगले स्टेप में 84 में से 7 निकाल दिया तो हमें प्राप्त हुआ 77। 7 इस ब्रैकेट के साथ गुणा हो रहा है, इधर जाएगा तो भाग हो जाएगा, 2 इसके साथ भाग हो रहा है उधर जाएगा तो गुणा हो जाएगा, यहां बच गया n माइनस 1। 7 से 77 कट जाएगा 11, 11 को 2 से गुणा करेंगे तो हमें प्राप्त होगा 22, और उस तरफ हमारे पास है n माइनस 1, तो यहां से n कितना आ गया 22, एक यहां माइनस हो रहा है इधर जाएगा प्लस, तो n आ गया हमारे पास 6। इसका मतलब इस एपी में कुल 23 पद हैं, 23 पदों में का हमने योग निकाला। योग के लिए हमारे पास फॉर्मूला है SN बराबर N बटा 2 इंटू 2A प्लस N माइनस 1 इंटू D। इसमें हम N, A और D की वैल्यूज रखेंगे तो हमें पहले कितने 23 पदों का योग प्राप्त होगा। आइए देखते हैं N कितना है, N कितना है 23 बटा 2 इंटू 2 गुना ए, ए कितना है 7 प्लस एन कितना है 23 माइनस 1 इंटू डी कितना है 7/2, ये ब्रैकेट बंद। इसे हमें हल करना है, ये आ जाएगा 23/2 ब्रैकेट में 2 × 7 प्लस ये आ गया 23 में से 1 निकाला 22 गुना 7/2, 2 से 22 करके ये आ गया 11, हमारे पास आ गया 23/2 गुना 11 × 7 = 77, 77 में जब हम 14 प्लस कर देंगे तो ये हो जाएगा 91।
हम गुना कर लेंगे क्योंकि दो के पहाड़े में ना तो 23 आता है ना ही दो के पहाड़े में 91 आता है, तो इन्हें हम आपस में गुना कर देते हैं। यह 91, यह 23, 3 × 3 9 × 27, 2 × 2 9 × 18, 3 × 7 = 9, 8 × 2 = 10, 7 × 1 = 1, 2। तो यह आ गया 2093 और नीचे है इसके 2। इसका मतलब इस एपी के प्रथम 23 पदों का योग आएगा 2093/2। तो ये इस प्रश्न का हल है।